अनुगुल जिला कृषक मोर्चा सभापति विजय महाराज निवेदन कर राज्य संपादक आनंदी सामल महाराज को पुष्पगुच्छ उत्तर दे सम्मान लोकसभा ढेंकनाल संसदीय क्षेत्र प्रभारी। आज दो दिनों से मैं उड़ीसा में हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एनडीए प्रत्याशी के रूप में उड़ीसा की एक आदिवासी महिला जो बिल्कुल ही गरीब परिवार की हैं उनको देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। और दो दिनों से जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, एक दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर गया हूँ, सभी जगह खुशी की लहर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त किया जा रहा है, बधाई भी दी जा रही है। अभी दो दिनों के इस कार्यक्रम में और एक दिन मैं रहने वाला हूँ, दो दिन बिता चुका हूँ, एक दिन और यानी तीन दिवसीय कार्यक्रम में आया हूँ। तो एक तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, उनका जो संकल्प है कि आज़ादी के वैसे दीवाने, आज़ादी भारत माँ को मिले इसके लिए जिन्होंने अपना समर्पण दिया है, बलिदान दिया है, योगदान दिया है, संघर्ष किया है, वैसे गुमनाम हो या इतिहास के पन्ने में हो, सभी को जाकर नमन किया जाए। उसके तहत भी आज मैं दो स्वतंत्रता सेनानी, कल भी दो स्वतंत्रता सेनानी के घरों पर मैं गया था, उनको नमन किया अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ। मैं जहाँ जहाँ गया, आज नरेंद्र मोदी जी के नाम की चर्चा और उनके काम की चर्चा हर जगह। मैं कल एक अनुसूचित जाति की बस्ती में गया था, वहाँ हमारी एक बूढ़ी माँ आकर बोलती है, जब उसको पता हुआ कि मैं नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल का मैं हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, उनके प्रेरणा में काम करता हूँ, तो बताई कि मोदी बाबू को, थोड़ा अपनी भाषा में, मोदी बाबू को हमारा आशीर्वाद पहुँचा दें, माने मोदी जी को आशीर्वाद हम दे रहे हैं, उनको पहुँचा दें। हम उससे पूछे कि अच्छा माता जी बताइए, आप तो आशीर्वाद दे रही हैं। तो बोले कि हम गरीबों के लिए, उन्होंने बहुत थोड़ा, हम हिंदी में बोल रहे हैं, वो अपनी भाषा में बोल रही थी, हिंदी जबकि समझ भी रही थी। तो इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी को गरीबों ने अपना मसीहा मान रखा है। मैं आज एक लाभार्थी जिसको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, उस घर में हम खुशी यहाँ जो देखे, पूरे परिवार के साथ चाय बनाकर हमको पिलाए और उनके पूरे परिजनों से मैं मिला, तो उनके चेहरे पे जो खुशियाँ थी, लगा कि हमारी भी चिंता करने वाला कोई है। कल रात में मैं भोजन के, अब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, वैसे परिवार में मैं खाना खाया। वहाँ बहुत लोग जुट गए थे, खास करके महिलाएँ जुटी हुई थी। और जबकि मैं विलम्ब से वहाँ थोड़ा पहुँचा, कई कार्यक्रमों को बीच में जोड़ने के कारण, तो फिर भी वहाँ महिलाएं पुरुष सब खड़े थे। और उन लोगों के मन में जो भाव था, जो चर्चाएं हो रही थी कि किस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद गरीबों के घरों में खुशियां लाने के लिए किस प्रकार से लाभ की योजनाएं उन तक पहुंच रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी विकास की गंगा को अपने भगीरथ प्रयत्न से जन जन तक पहुँचा रहे हैं। जिस प्रकार से भगीरथ ने प्रयास करके मानव कल्याण के लिए धरती पर गंगा मैया को संकट की जटा से उतारे थे, उसी प्रकार देश के हर गांव हर लोग तक माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास की धारा पहुंच रही। तो कुल मिलाकर देखें तो देश में गरीबों का कल्याण की योजनाएं, उनके लिए विकास की योजनाएं, न्याय के साथ, उनको सम्मान के साथ, आज प्रधानमंत्री जी दिन रात गरीबों के कल्याण में लगे हैं, किसानों के कल्याण में, नौजवानों के कल्याण में, महिलाओं के कल्याण में, मजदूरों के कल्याण में, सबके कल्याण में लगे हैं। देश आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बढ़ चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु भी बनेगा और एक सशक्त भारत बनेगा, शक्तिशाली भारत बनेगा, जो दुनिया में शांति के संदेश को लेकर जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी जा भी रहे हैं और इसी के कारण दुनिया के सर्वमान और सर्व लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं। गरीबों ने उनको आज अपना मसीहा मान चुका है।